ये तो देने का कानून है, और देना भी किनको है कि जो ऐसे पीड़ित लोग, जो ऐसे दुखी लोग, जो अपनी बहू बेटियों की इज्जत बचा करके, अपने माल असबाब को सारा वहां छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके, केवल स्वधर्म की रक्षा के लिए यहाँ हिंदुस्तान में आकर के शरण लेते हैं, उनको नागरिकता देने के लिए मानवता का कानून है। इस मानवता के कानून का विरोध करने वाले लोग अपने कुत्सित इरादों से इस देश को बांटने का षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन देश का क्या कि जनता इस बात को अच्छी तरह से जानती है। वो युवाओं को भड़का करके जिस तरह से अपने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं, देश में वो ऐसे लोग कभी भी सफल नहीं होंगे। देखिए, नागरिकता का बिल कैंसिल करने से पहले मुझे लगता है कि अशोक गहलोत साहब को और ममता बनर्जी को संविधान पढ़ना पड़ेगा। संविधान ने जो व्यवस्था बनाई है उसमें जो केंद्र की सूची है उसके विषयों पर निर्णय करने का पूर्ण अधिकार केंद्र सरकार को है, और सिटीजनशिप देना और नहीं देना ये भारत सरकार का विषय है, यूनियन का विषय है, इसमें स्टेट किसी भी तरह से कहीं भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सर, राजस्थान सरकार ने गुड गवर्नेंस का कुछ ही दिनों में जो है वो अवार्ड जो उन्होंने प्रायोजित तरीके से किसी एक संस्था के माध्यम से लिया है, एक बार ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो रैंकिंग उनकी दी है कि राजस्थान भ्रष्टाचार में देश में एक नंबर पर है, मुझे लगता है कि उसके साथ में इसकी तुलना और समीक्षा करके देखना चाहिए। सर, माही बेसिन में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और प्रतापगढ़ चार जिले आते हैं, इनमें दल का विषय, जैसा मैंने अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के विषय में कहा कि वो केंद्र सरकार का विषय है, ये राज्य सरकार का विषय है। जल जो है वो संविधान प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप जल जो है वो राज्य सरकार का विषय है, राज्य सरकार इसमें इनिशिएटिव लेकर के योजना बनाए। मैंने तो पहले ही कहा कि जो उपलब्ध पानी है उसके ऊपर योजना बनाने के लिए हमने जो पैसा दिया था, आज एक भी पैसा खर्च नहीं कर पाई है। राजस्थान की सरकार अगर योजना बना करके अपना अंशदान देने के लिए राजी है तो माननीय मोदी जी ने 3.25 लाख करोड़ रुपए के बजट एलोकेशन के साथ में जो है हर घर नल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन प्रारंभ किया है, उसमें राजस्थान के भी हर एक घर तक पानी पहुंचाया जा सकता है। बूढ़े मुसलमान से जिसकी शादी कर दी गई है वो अपनी 3 बेटियों को लेकर के जब हिंदुस्तान में आता है उसको संरक्षण देना हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं है? और उसको संरक्षण देने के लिए जो कानून लाया गया उसका विरोध ये सरकार कर रही है। ये कांग्रेस की सरकार, ये अशोक गहलोत की सरकार ये कहती है कि हम राजस्थान में लागू नहीं करेंगे। मित्रों, वो आप ही के भाई है, आप ही आदिवासियों के भाई आदिवासी है। मेरे जोधपुर में 15,000 भील ऐसे रहते हैं जो अपनी बहू बेटियों की इज्जत बचा करके सड़क पर रहने के लिए मजबूर थे। अब जब हम उनको नागरिकता का अधिकार दे रहे हैं तब अशोक गहलोत कहते हैं कि हम उसको राजस्थान में लागू नहीं करेंगे। आज ममता बनर्जी, अशोक गहलोत जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, और ये राहुल गांधी और ओवैसी जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, ये देश को बांटने का षड्यंत्र है। लेकिन मैं आज इस धरती पर खड़े होकर के कि ये गोविंद गुरु की धरती है, मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि हम सब लोग हाथ में संकल्प लेकर के खड़े हो, अपने दोनों हाथ ऊंचे करके मुट्ठियां बीच कर ले, पंचायती राज चुनाव में देंगे। एक भी प्रतिनिधि किसी भी परिस्थिति में कांग्रेस का या देश के बांटने वाली ताकतों का नहीं जीतने देंगे। पूरी ताकत के साथ में हम जो है इस सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए काम करेंगे। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की।